साथियों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। बहुत शॉर्ट बात किया हूं, मेरे साथी मेरे साथ अखबार में संपादक रहे मनोज कुमार झा से। मनोज जी कई राज्यों में संपादक रहे और कुछ पीरियड उन्होंने बिताया है मुख्यमंत्री केजरीवाल के राजकाज में मीडिया सलाहकार की भूमिका, चीफ मीडिया एडवाइजर के रूप में। पत्रकारिता जब नस-नस में हो जाती है तो दूसरे क्षेत्र में और राजनीति में क्या अड़चनें आती हैं, और आज की पत्रकारिता क्या मांग कर रही है कि आपके युवाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं। नमस्कार आपको। नमस्कार। नमस्कार जी। आप पत्रकारिता में लंबा समय लगाए और बाद में राजनीति में जो चस्के होते हैं उसको भले नहीं लिया हो, आपने देखा है, लेकिन मेरी जो बातचीत है वो राजनीति पे कतई नहीं है, जर्नलिज्म पे ही होगी। पिछले कुछ वर्षों से महसूस हो रहा है सामूहिक मेहनत से जो अखबार निकलते थे, टेलीविज़न आते थे, उसमें कुछ कमी आई है और लोगों का रुझान भी घटा है अखबारों के प्रति, उसकी वजह से सर्कुलेशन भी कम होती दिख रही है। कोविड के बाद जो अखबारों का सर्कुलेशन है ये ओवरऑल सब जगह घटा है, पहली बात। दूसरी बात यही है कि सर्कुलेशन में एक बड़ा फैक्टर यह है कि अब अखबार में कोई बहुत चौंकाने वाला फैक्टर एकदम से सुबह जो पढ़ के हिल गए, उस चीज़ का लोप हो रहा है। कोई रिपोर्टर के पास कोई बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी हो, कहीं फाइल से रिलेटेड, किसी मंत्रालय से रिलेटेड, किसी विभाग से रिलेटेड कोई उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हो, उस दिन खबर बनाएगा ये, अगले दिन तो वो भले चौंक सकते हैं, वो कोई कांड कागजों का कांड होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ अखबारों में, कुछ एक अखबारों के अलावा कहीं वो कांड की भी कोई खबरें नहीं रहती। वजह यह है कि आज ज़्यादातर चीज़ें पुरानी हो गई हैं, सुबह के लिए नई नहीं रह गई, अभी से लेके कल सवेरे तक। नहीं, मैं उसकी कह रहा था कि जो एक्सक्लूसिव होती है जो फाइलों से निकाल के लाई जाती है। फाइलों से निकाल के लाने का जहाँ तक प्रश्न है तो देखिए कि मोटे तौर पर अब सरकार के साथ जो अखबार का एक रिश्ता होता था लगभग विरोध का रिश्ता था। आम तौर पर विरोध सरकार का, की बजट, हाँ वो एक फोर्थ पिलर है तो फोर्थ पिलर हमेशा एक मतलब अग्रेसिव रहता था, यहाँ इसकी बजा दे वो खत्म। अब वो चीज खत्म हो रही है, पत्रकारिता का वो टोन डाउन हो रहा है, और अब क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी सारी चीजें आ गई हैं, इतना मैटर है आपके पास में कि आपको लगता है कि अरे यार वहाँ वो चल रहा है, इस पर रिपोर्ट लिख ले, चलो हटाओ ये जरूरत नहीं है इस रिपोर्ट लिखने की। प्लस अखबारों की एक फाइनेंशियल जरूरत एटलीस्ट कोविड के बाद हो गई है कि आप सरकार से थोड़ा सा मेल मिलाप करके रखें तो आर्थिक भी आपका हित सत्ता रहेगा, वरना उस तरह से आप झगड़ा करके कोई अखबार या चैनल उसको चलाना आज की तारीख में बहुत बहुत मुश्किल काम है। एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा पत्रकारिता में कि वो जो समूह में जो अखबार निकालते थे ना, कई रिपोर्टर मिलके एक बनाए खबर और बहुत से लोगों ने काम किया तो खबरें आई, उसमें बाई लाइन रही तो उसको पहचान गए, नहीं रही तो नहीं भी पहचाने, अखबार की पहचान बनी। एक नया ट्रेंड दिख रहा सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा भयानक रूप से बढ़ने के बाद कि अब इंडिविजुअल जर्नलिज्म की तरफ जा रहा है। जर्नलिज्म में अब कुछ लोग, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक में मैं सोशल मीडिया को भी जोड़ लेता हूँ, उस पर देखा जा रहा है कि यह व्यक्ति अगर इस चैनल में था तो उसका एक विशेष प्रोग्राम के लिए देखते थे, लेकिन जो ही वो शिफ्ट किया दूसरे चैनल में तो दर्शक भी उधर जाके उसको सुनते हैं। क्या है कि इंडिविजुअल एक आपको क्रेडिबिलिटी बनानी होती है। पहले क्या था, जो आप कह रहे हैं कि बायलाइन नहीं भी है तो फला अखबार की स्टोरी है, सबको इंडिविजुअल हिट्स चाहिए, इंडिविजुअल नाम चाहिए, इंडिविजुअल गट्स सब पैदा करना चाहते हैं कि मैं इस अखबार में रहूं कि यहाँ रहूं कि वहाँ रहूं, इस चैनल में रहूं कि यहाँ रहूं। उसके लिए क्या करता है अगला कि एक अपने आसपास जहाँ उसको उस तरह से कंड्यूसिव एनवायरमेंट मिलता है,
अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल सहायता मिलती है प्रबंधन की ओर से, तो अपना एक घेरा वो ब्लॉक बनाता है, प्राइम टाइम उसका लेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई सारे ऐसे पत्रकार हैं टीवी जर्नलिज्म में खास करके कि जो कह रहे हैं कि इस चैनल को छोड़ के वहाँ भी गए, तो वहाँ लोग शिफ्ट, दर्शक यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं फला को सुनने के लिए। हाँ, हाँ। तो वो उनकी निजी कमाई है। और अब संस्थान हित पत्रकार कम देख रहे हैं, निजी कितना मेरा नाम हो रहा है। अखबार में भी ये ट्रेंड, गलत ट्रेंड आ गया है कि मेरी बायलाइन छप जाए, अखबार कैसा गया पहला पेज पे, स्टोरी कैसी है वो, हमारी स्टोरी कैसी लगी, पहला स्वार्थ ये है, हमारी स्टोरी प्रॉपरली लगने जानी चाहिए, बढ़िया से बायलाइन ओवर के बॉक्स बन के लग जाना चाहिए। उसी तरह टेलीविजन में भी है कि मैं कहीं जाऊं वो मेरा, चूंकि कार्यक्रम क्या होता है, कार्यक्रम को एक आप नाम देते हैं और उससे आपकी पहचान बनती है। यदि वो हिट हो गया तो फिर आप सेलेबल हो जाते हैं, इस चैनल से वहाँ जाएंगे तो आप दिखाएंगे कि मेरा यहाँ इतना हिट्स, तो यहाँ इस प्रोग्राम में यहाँ है, मैं जैसे आपके पास आऊंगा तो ये सारे दर्शक भी सिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, और सच्चाई भी है, सच्चाई भी। लेकिन इसमें एक चीज नहीं देख रहा हूँ मैं, इससे बहुत सारे पत्रकार जो युवा है जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ कुछ लोग ऐसे मशहूर हुए हैं, इस तरह के लोग जिनका बहुत लंबा अनुभव नहीं रहा काम करने का, लेकिन वो पॉपुलर हो गए बिल्कुल और उनको लोग देखने लग गए। मेरे भी कई ऐसे जानकार हैं कि उन्होंने अचानक से यूट्यूब पे काम करना शुरू किया और वो कहते हैं कि सर इतने हिट सब मिल रहे हैं मुझे, इतनी व्यूअरशिप मिल रही है, तो ये अच्छा है। देखिए एक ये दूसरा पक्ष इसका ये है कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है मीडिया का, कि पहले चंद घरानों के हाथ में वो बंद था। हाँ। अब आप भी रिपोर्टर हैं, जैसे अखबारों में हम लोग एक टाइम में ये प्रयोग करते थे सिटीजन रिपोर्टर, सिटीजन रिपोर्टर करते तो थे। आज सिटीजन रिपोर्टर जो है वो हकीकत में वो बन गया है। हाँ। आप चाहे तो आप खुद अभी इस समय से शुरू कर दें कि मैं यूट्यूब चैनल चलाऊंगा, मैं पॉलिटिकल रहेगा, धर्म रहेगा, समाज रहेगा, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, किसी भी विषय को लेके आप कोई चीज़ शुरू कर सकते हैं। तो आप, सवाल है कि अट्रैक्शन कैसा है, आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करते हैं सामने वाले को, आप नया हमेशा दीजिए, हमेशा आप हिट करने के चांस आपके बने। एक चीज़, एक दिक्कत मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कई प्रीमियर संस्थानों में फोटो जर्नलिज्म पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ मैं जो देख रहा हूँ पढ़ाई का ढर्रा, उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि एक इंडिविजुअली अगर जर्नलिस्ट अपने आप को जर्नलिस्ट बनना चाहे तो वो अपॉर्चुनिटी है, और वो कैसे फ्लोरिश करे अपने आप को, इस पर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। देखिए ये तो आप जैसे टीचरों को देखना है। हाँ। कि जब क्लासरूम में आप, मान लीजिए आपकी क्लास में 15 फोटोग्राफर पढ़ रहे हैं, कोई सा कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा है, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई भी, जब आप कहीं पढ़ाने जा रहे हैं तो टीचर पे है कि सबको एक एक को अलग अलग एक इंटाइटी के रूप में तैयार करे। सामूहिकता का जमाना अब नहीं रहा, इंडिविजुअल सब चाहता है कि मेरा अपना फ्लैट हो, अपनी गाड़ी हो, शेयर कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए ये टीचर, आप जैसे जो अनुभवी इतने लंबे साल तक आपने फोटोग्राफी की दुनिया में आपने गुजारे हैं, तो आपको भी लगता है कि अब होना चाहिए कि एक एक को एक एक सेल्फ स्टार्टअप के लिए हम तैयार करें कि तुम जाओ तो यहाँ से अपना खुद का संस्थान बना के जाओ। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने जाता हूँ आमतौर पर वो फोटोग्राफर बनने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो अखबारों में रिपोर्टर और सब एडिटर बनने के लिए गए हैं वो लोग होते हैं। उनमें भी यही देखा गया है कि हमेशा उनकी प्रवृत्ति रहती है दिमाग में कि किस अखबार में जगह मिलेगी, जिसकी संभावनाएँ घट गई हैं बहुत। मैं पिछली बार जब गया था एक संस्थान में, नाम नहीं लूँगा, तो मैं सबको आगाह किया था कि खुद इंस्टीट्यूशन बन जाओ, खूब बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप इस अपनी तैयारी करो, अपना व्यू पॉइंट लाओ और अपना काम करना शुरू करो, सर्कुलेशन की भी आपकी चिंता नहीं है, धीरे 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 जब पॉपुलर हो जाओगे और मशहूर जर्नलिस्ट हो सकते हो। आपका, आपकी विधा तो ऐसी है कि एक सब एडिटर यदि फोटोग्राफी भी सीख रहा है, एक जूनियर सब एडिटर फोटोग्राफी सीख रहा है, एक रिपोर्टर लेवल पे यदि फोटोग्राफी को भी उसका उसके अंदर ललक है, तो वो तो एक कंप्लीट जर्नलिस्ट हो सकता है। और जरूरी नहीं कि आगे के करियर में वो लिखने वाला ही जर्नलिस्ट है, वो फोटो जर्नलिस्ट भी हो सकता है, उसके हाथ में कलम नहीं होके कैमरा रहेगा, बस फर्क इतना ही रहेगा, और बल्कि वो ज्यादा मजबूत एक फोटोग्राफर
फोटो जर्नलिस्ट बनेगा, क्योंकि उसके पास एक राइटिंग एबिलिटी है ही कि मैं इनको लाइटिंग और लाइट से लिखने वाली जितनी चीजें हैं, चाहे वो वीडियो शूट हो रही हो चाहे वो स्टिल शूट हो रहा हो, लाइट के इम्पैक्ट से बेहतर दिखाने का एक तौर तरीका सिखाने का प्रयास रहता है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर माइंड में रख के कोई यंग जर्नलिस्ट जो पढ़ाई कर रहा है जर्नलिज्म की चले वो, तो उसको किसी अखबार के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये यदि वो फोटोग्राफी बेस्ड ही कोई अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर दे, हाँ, तो वो भी चल जाए। वो मुझे लगता है कि इस तरह के अभी प्रयोग हुए नहीं है। हुए हैं कुछ फोटोग्राफी पर है, हाँ, तो मेरी जानकारी में है नहीं। हाँ, आप कुछ लिंक भेजिएगा मुझे। हाँ, तो वो तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा हिट करेगा। वो कई राज्यों में अखबारों के संपादक रहे, नई दुनिया है, जागरण है, अमर उजाला में भी काम किया आपने। अब ये जो नई जिम्मेवारी जो बीच में आपके पास 30-31 महीने की आई थी, तो आपने बहुत नजदीक से एक पत्रकार की मानसिकता लेकर के सरकारी बाबुओं के बीच में आप कैसा फील किए? देखिए, मैं वहाँ पत्रकार ही बना रहा। मूलतः मैं राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी, सरकारी महकमे में काम करते हुए भी, मैं खुद के अंदर के जर्नलिस्ट को ख़त्म नहीं कर पाया। और यही वजह है कि मुझे इसको लेके थाने ताने भी सुनने पड़ते थे। हाँ, चाहे जैसे भी हो। हाँ, कि आप पत्रकार बताइए। हाँ, राजनीति कहती है कि आप सब कुछ बोलो, जो भी विधा आपके पास है सब बोल जाओ, आप सिर्फ फुल टाइम राजनीति करना जानो। मुझे लगता है कि मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। हाँ, मेरे दिमाग ने वो नहीं माना। हाँ, तो मैं धीरे से जो मैंने सोचा रग-रग में जब पत्रकारिता, हाँ, तो मैं वापस मैंने सोचा कि हमारा जो पुराना क्षेत्र है, पुराना फील्ड है, वही अच्छा है। प्रार्थना भी है ईश्वर से कि जल्द से जल्द किसी अखबार की जिम्मेवारी संभाले और फिर हमारे जो युवा पत्रकार हैं उनकी मदद की जाए। तो साथियों, आज मनोज कुमार झा जी से हम चार बातें समझे सुने, मैं भी अपनी कुछ बातें इन्हें कहा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।